जैसे कि आप इनपुट आउटपुट देखोगे तो वी हैव ट्वेंटी थ्री देन ट्वेंटी एट तो जितने भी डुप्लीकेट है उन सबको हटा देना है सो दिस एंड एंड विल 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 बी 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 गॉन 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 आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट इट इज ट्वेंटी थ्री एंड थर्टी फाइव राइट मतलब क्यार हमें डिलीशन परफॉर्म करना है हमें डिलीशन परफॉर्म करना है राइट डिलीशन इन लिंक लिस्ट से तो डिलीशन के लिए हमने देखा यार आप जब भी कोई डिलीशन तो हम यहाँ पे, पे प्री पी टी आर एक मेंटेन करते हैं राइट right?

प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट इज नथिंग बट टेम्प डॉट नेक्स्ट ये डिलीट हो जाएगा ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डिलीशन का कोड यार हम कैसे परफॉर्म करते हैं डिलीशन ठीक है deletion, इस क्वेश्चन पर वापस से आते हैं तो so अगेन मैं देख सकता हूँ कुछ टेस्ट कैसे लेते हैं लेथसे हमारे पास ट्वेंटी थ्री हैगेन और लेथसे नल और लेथसे भी है आगे का जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट होगा राइट ओके हम यहाँ पे एक प्री पी मेंटेन करेंगे सो विल हैव लेट्स से प्री पी राइट अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको डमी नोड एल्थ से माइनस वन दे देते हैं राइट right? और ये हमारा करंट नोड होगा जो हम एक्चुअल में उस पॉइंटर को यूज़ करेंगे ट्रीट कर आई ट्रीट करने के लिए अपने लिस्ट में अब मेरे को चेक क्या करना है यार मेरे को चेक ये करना है कि क्या मेरा ये करंट अपने जो नेक्स्ट नोड है उससे बराबर है अगर ऐसा है राइट सो वी हैव टू डिलीट इट अब क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा वैल्यूज हो सकते हो सकते हैं जैसे यहाँ पे थ्री टाइम्स ट्वेंटी थ्री आया राइट हो सकता है फोर टाइम्स आया हो तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो आप करंट को आगे मूव करो एंड कीप ऑन चेकिंग इट अगेन एडजेसेंट वाइज राइट बट बिफोर मूविंग द करंट बिफोर मूविंग द करंट हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे यार कंडीशन ये होगा हमारा इफ ये वैल्यू और ये वैल्यू को चेक करना था तो ये वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो देखो दो तरीके हैं या तो मैं करंट डॉट डेटा लिख लूँ या फिर मैं प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा निकलूँ राइट इस प्री प्रीपीटीआर को मैं कंबाइन करके रखूंगा आप बताओ कौन सा यूज़ करें मैं बोल रहा हूँ कि प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा यूज़ करो इस वैल्यू इस को उठाने के लिए क्योंकि करंट तो यार हमेशा आगे मूव करते रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन अगर एडजेसेंट मैच कर तो करंट को आगे मूव करने वाले दैट इज वाई वी विल टेक प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा इफ इट इज इक्वल इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा अगर ऐसा है जो कि है अभी ये वैल्यू ये वैल्यू सेम है तो आप करंट को चुपचाप से आगे बढ़ा दो सो आई विल जस्ट से करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट राइट ना द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं फिर से चेक करूंगा सेम चीज़ अब ये तो इफ़ में लिखा था यार अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है आगे और भी ट्वेंटीज़ तो प्रेजेंट है ये जो इफ़ है ये जो इफ़ है मैं इसको यहाँ पे हटा के मैं लिख दूंगा वाई मेरे को नहीं पता है कि कितनी बार इंस्टेंसेज आएगा जब मेरे को नहीं पता होता है कि कितनी बार हमें लूप चलाना है कितनी तो बार आइट्रेट करना है तो वहाँ पर वाई लूप यूज करते हैं ठीक है तो so अगेन यहाँ पे चेक होगा प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा इज अगेन इक्वल्स टू करेंट तो मैं यहाँ पे करेंट को फिर से अपडेट कर दूंगा ब्लच एक आएगा एलिमेंट कोई ऐसा था लच्चिक ट्वेंटी एट था जहाँ पे हम इसको टर्मिनेट करना चाहेंगे अपने कंडीशन को तो मैं देखूंगा कि अच्छा अब क्या होगा कि प्री पी डॉट एक्स डेटा मतलब ये इसके इक्वल नहीं है राइट तो डेफिनेटली हम करंट को आगे मूव नहीं करेंगे राइट और हम यहाँ क्या कह देंगे अब डिलीजन कैसे होना चाहिए ये जो प्री पी है इसका जो हमारा यहाँ से एक नेक्स्ट पॉइंटर निकलेगा और करंट डॉट नेक्स्ट को पॉइंट कर देगा मतलब कि क्या होना चाहिए हमारे पास प्री पी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट ऐसा होना चाहिए था राइट right. बट आप यहाँ पे सोचो क्या हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर मैं आपको एक टेस्ट केस दूँ इस तरीका सा कि आपके पास एक इंडिविजुअली प्रेजेंट था और उसके बाद रिपीटेशन चालू हो गए थे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री एंड देन अगेन नर अगर हम इस सेम चीज़ को दूसरे एज केस के लिए आइट्रेट करें तो क्या होगा मैं अगेन से एक प्री पी टी आर बनाऊँगा यहाँ पे राइट जो माइनस वन को पॉइंट करेगा और ये हमारा हेड होगा और यही हमारा करंट भी होगा मैं इसको इससे जोड़ के रखूंगा राइट right, क्योंकि प्री पी आपको पता है यूज आएगा डिलीशन के करते समय राइट right? वो इंडिशन हमने देख ली थी मैं चेक करूंगा कि प्री पी आर डॉट एक्स डॉ डेटा दैट इज दिस ट्वेंटी एट इफ इट इज इक्वल्स टू माई करंट डॉट एक्स डेटा मतलब ये अपने बगल वाले से इक्वल है या नहीं मैं देखूंगा कि अच्छा ये तो इक्वल नहीं है अब मैं अगर ब्लाइंडली ये चीज़ ये चीज चला दूँ तो क्या होगा कि ये ट्वेंटी एट डिलीट हो जाएगा यहाँ से राइट right? अगर मैं ब्लाइंडली चला दूँ तो क्या होगा कि प्री पी आर जो है इसको पॉइंट कर देगा ट्वेंटी एट डिलीट हो जाएगा बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक ही बार आया है ट्वेंटी एट सो दैट मीनस दैट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ इफ कंडीशन लिखना होगा मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि अगर मेरा जो प्री पी है और जो करंट है उसका रेफरेंस सेम है राइट दैट मीन्स हमें उसे डिलीट नहीं करना है चल जस्ट से प्री पी टी आर इक्वल्स इक्वल्स टू और प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट राइट प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स इक्वल्स टू करंट तब तो हम क्या करेंगे सिंपल से प्री पी को आगे आगे की तरफ मूव कर देंगे क्योंकि ये चीज़ हमें चाहिए यार ये जो है ये हमें अपने चाहिए और करंट को आगे मूव कर देंगे राइट तो मैं क्या कहूँगा प्री पी टी आर इज इक्वल्स टू नथिंग बट प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट या फिर मैं ये कह सकता हूँ कैन से तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्री पी टी आर इज नथिंग बट प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट मैं इसको आगे तो मूव कर दूंगा और आप देख पा रहे होगी कि दोनों केस में हम हर बार अपने करंट को आगे बढ़ा रहे हैं जब भी हमारा आइट्रेशन खत्म हो जा रहा है राइट मतलब कि हम अभी एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे हम एक सिंगल टेस्ट केस कंसिडर कर रहे हैं बट हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टेस्ट केस हो सकता है दैट इज दिस वन एंड दिस इज दिस टू राइट तो यहाँ पे हमने देखा था करंट को करंट डॉट नेक्स्ट किया था सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही करेंगे जब हमारा ये इसको इधर पॉइंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे करंट को अपना ये कर देंगे और प्री पी तो यही रहेगा मतलब की मतलब की मतलब की वट एवर वट एवर वी आर डूइंग इन साइड दिस हम क्या करेंगे हम चेक हम अपने सारे लिस्ट में ट्रेवल्स करेंगे दैट इज वाइल करेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल और करंट जो है करंट किसको पॉइंट कर रहा है और लेट्स ए नहीं लेट से हम एक टैम बना लें टेम ले, भी नहीं यार आंसर बना लेते हैं यहाँ पे एक आंसर बना ले जिसको हम लोग बोल देंगे दिस इज नथिंग बट न्यू नोड ऑफ माइनस वन और हम लिख देंगे आंसर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड राइट और फिर हम क्या करेंगे क्योंकि यही जो आंसर है हम इसको अपन यूज करेंगे फाइनल लिस्ट को रिटर्न करने में तो आंसर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड और अब हम यहाँ पे बोलेंगे प्री पी टी आर प्री पी टी आर इज इक्वल टू दिस हाँ बिल्कुल सही है एंड योर करंट योर करंट वुड बी इक्वल्स टू हेड रीविलइट रेट टिल द एंड ऑफ दर लिंक और ये इसका पार्ट हुआ एंड यहाँ पे हम लिख देंगे एज थर्ड स्टेटमेंट ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ सेकेंड स्टेटमेंट हुआ और ये जो हो रहा है ये सब कुछ हो रहा होगा वाइल्ड लूप के अंदर में राइट right? तो hmm. so, ये चीज़ क्लियर होगी हमें ये हमारा पहला पॉइंटर हुआ ये हमारा पहला पॉइंट होगा ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा एंड और ये हमारा तीसरा ये दूसरा केस होगा लेट्स फर्स्ट केस सेकेंड केस और लास्ट में जो हम थर्ड चीज़ लिख रहे थे दैर इज नथिंग बट करंट इक्वस टू करंट डॉट नेक्स यही हुआ या ये हमारा आई गेस फाइनल सूडो कोड और कोड कह लो जो भी होगा राइट तो एक बार मार्क कर लेते हैं तो ये चीज़ किसको हैंडल कर रही थी ये हैंडल कर रहा था इस वाले केस को राइट तो क्योंकि हमने देखा कि हम डायरेक्टली और ब्लाइंडली प्रीपीडिया डॉट नेक्स्ट करंट डॉट नेक्स नहीं कर सकते हैं कि हमारा एक ऐसा भी एच केस होगा राइट अर टोटल क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एच केस वन एंड दिस एच केस टू उस केस में ये वाला पॉइंट ये वाला लाइन हमें हेल्प करेगा करेक्ट तो आई थिंक हो चुका है क्वेश्चन यार हाँ आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया इसका टाइम एंड स्पेस डिस्कस कर लेते हैं तो टाइम इसका क्या हो जाएगा ओ ऑफ एन बिकॉज वी आर राइट रिटिंग फॉर ईच एंड एवरी नोट जस्ट वंस स्पेस हो जाएगा इसका ओ ऑफ वन क्योंकि हम हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया जस्ट मेकिंग दिस डमी नोट लेट्स ए आंसर राइट और लास्ट हम क्या करेंगे यार तो so लास्ट में हमारा जो फाइनल आंसर होगा जो फाइनल हमें हेड रिटर्न करना है रिजल्टेंट ले तो वो किस में स्टोर्ड होगा लेट्स ए माइनस वन है राइट right. अगर इस केस की बात करें तो माइनस वन के बाद ट्वेंटी एट क्लब हो जाएगा राइट एंड इट विल बी हैव नल सारे डुप्लीकेट्स यहाँ से हट जाएंगे सिमिलरली अगर मैं इस केस की बात करूँ तो हमारे पास एक माइनस वन होगा और द नेक्स्ट एलिमेंट वुड बी ट्वेंटी एट और नल राइट right? ये हमारा आंसर का रेफरेंस था ये माइनस वन जो है आंसर का रेफरेंस करता था तो हम लास्ट में बोलेंगे रिटर्न आंसर डॉट तो यही रहा यार हमारा ईच एंड एवरी थिंग आई थिंक हमने सारे केसेस कवर कर लिए इसके लिए and that is it please pause this video here try to code this approach by yourself and then we can see the code so i hope aapne khud se code kar liya hoga yaar to same code hai exact code hai हमने एक result बनाया है result.next को head किया है we have a pre ptr then we are traversing till the end हमने दो केसेस हैंडल किए हैं यार जब हम स्टार्ट ही कर रहे हैं डुप्लीकेसी से और we are not starting from the duplicate city but हमारे पास एक इंडिविजुअल एलिमेंट है और वहाँ से डुप्लीकेट एलिमेंट स्टार्ट हो रहे, रहे हैं राइट वो दो केसेस हमने हैंडल कर लिए नेक्स्ट हमने क्यों किया वी नो दैट बिकॉज कैन बी देशन ऑफ टू के लास्ट जो भी उसका एंड इसट दस सबमिट बटन फॉर दिस कोड सो लेट मी जस्ट जूम इट फिर यू दाइनल कोड तो आप देख सकते हो सारे पास हो जाने चाहिए ग्रेट ठीक है So, Hoge, I think this question is done and let us meet again in the next period. till then. Keep learning, keep bringing the bye and take care, guys.